गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। आज थोड़ा ब्लॉगिंग करने में लेट हो चुका है और अभी एक्चुअली दोपहर हो चुका है, तो 2:35 हो चुका है, तो गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो चुका है। फिलहाल अभी मैं चल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कुछ बना लेते हैं हल्का फुल्का और फिर थोड़ा निकलेंगे बाहर। बट उससे पहले मैं स्नान वगैरह करके सब कुछ करके रेडी हूँ, बस ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। तो चलते हैं, पोहा बना रहे थे, आपको भी दिखाते हैं। पोहा बनाते हैं, पोहा खाते हैं और बाहर निकलेंगे, चाय वगैरह पियेंगे और कुछ सामान वगैरह लाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो कड़ी पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो उसमें स्टार्टिंग में तड़का लगता है, तो मैंने कड़ी पत्ता लगाया था और वहीं से ले लेते हैं, 2-3 कड़ी पत्ता ले लेते हैं। ये है अपना कड़ी पत्ता गमले में। चलते हैं, बनाते हैं अपना पोहा और आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं क्या क्या लग रहा है। कुछ खास इंग्रेडिएंट नहीं लगेगा, ये अपना चूड़ा था, इसको भिगो के रख लिए हैं, साथ में पीनट है, कड़ी पत्ता भी लाए हैं और ये ग्रीन चिल्ली, ये थोड़ी सी सूख गई है बट ये है, और ये है कांदा मतलब प्याज। तो ये है बस इंग्रेडिएंट यूज होगा। मसालों में नमक और हल्दी, बस और कुछ ज़्यादा यूज करना नहीं है। तो अपना पैन हीटअप हो गया है, तेल ऐड करते हैं। ये अपना पैन में किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल ऐड कर लेते हैं, काफ़ी इतना, इसको गर्म करते हैं। ये अपना गया कड़ी पत्ता एंड ग्रीन चिली। इसमें थोड़ा सा पीनट डाल के इसको नट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इसको, ताकि ये थोड़ा सा नटी टाइप का हो जाए। ऐड करते हैं ओनियन, हल्का सा इसको करेंगे रोस्ट। ऐड करते हैं इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं एंड हल्का सा पानी ऐड करते हैं ताकि मसाला जो है इकट्ठा हो जाए। तो अपने जो पोहे से चूड़े जो भी बोले भिगो के रखे थे उसको ऐड कर दिए। एंड अगर आपको ज़रूरत है थोड़ा सा नमक ऐड करने की तो ऊपर से ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम लग रहा है नमक। तो बस इसको थोड़ा सा चलाएंगे और हो सके तो इसको ढक के पलट लेना चाहिए, ढक के जैसे टोस्ट करते हैं उस तरह से कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ। और इसमें हल्का सा पानी छीका छीटा मार सकते हैं जिससे ये थोड़े बैठ जाए। अभी पानी सारा जो है अपना पोहा सोख लेगा, बस हो गया, इसको बस तुरंत इसको सर्व कर देंगे। तो ये अपना नाइस पोहा बनकर रेडी हो चुका है, सर्व करते हैं। गाइस फाइनली अपना गर्मा गर्म पोहा रेडी है, ये है अपना गर्मा गर्म पोहा। साथ ही साथ मैंने अंडा भी बॉयल कर लिया था, तो ये अपना आ गया बॉयल्ड एग। तो खाते हैं अपना पोहा अंडा, खा के चलेंगे बाहर, करते हैं अपना ब्रेकफास्ट जो कि अब दोपहर होने के कारण लंच भी बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच इक्वल टू ब्रंच मे बी। तो अब चलते हैं बाहर और मिलते हैं आपसे बाहर। गाइस फाइनली 3:01 पे बाहर आ चुके हैं और काफी कड़क धूप हुआ है। ये अभी 3 बजे का बाहर का माहौल देख लो, 3:01 जो भी है, सन्नाटा हो गया एकदम, ऐसे धूप आज काफ़ी तेज़ निकला हुआ है। एक्चुअली कल बारिश हुआ था ना दोपहर में, तो मौसम ठंडा था, बट आज लग रहा है नहीं हुआ है क्योंकि मैं उठाई हुई हूँ काफ़ी लेट, तो पता ही नहीं चला आज। बस अब एक अच्छी चाय मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, चलते हैं चाय की दुकान पर। तो गाइस फाइनली चाय आ गया अपना, चाय पी लेते हैं फिर कुछ एक दो काम है उसको करेंगे। तो गाइस चाय पी लिए हैं, अब थोड़ा सा अगले आप जो अपना काम है वो करते हैं। और धीरे धीरे मौसम परिवर्तित हो रहा है, हल्का हल्का तेज़ हवा चलने लगा है, धूप भी कम हो रहा है धीरे धीरे। फाइनली रूम के अंदर आ चुके हैं, 3:35 हो चुका है, तो बनाते हैं कुछ लंच और थोड़ा एक्स्ट्रा बनाएंगे ताकि डिनर के लिए भी हो जाए। तो लंच पे मिलते हैं, क्या लंच होगा, अब तो काफ़ी लेट हो गया है।
गैस शाम के 7:35 हो रहा है और थोड़ा राशन लाना है इसलिए निकले हुए हैं शाम। एंड गैस ये है शाम के 7:35 बाहर। और ये 10 kg वाला कितने का है? 570। ग्रोसरीज में चावल लेना था, ले लिए। गाइज आ चुके हैं रूम पे और तो चावल लेके आना था, ला दिया। और साथ में और भी कुछ लाने का सामान वो कल परसों लेकर आएंगे, बस फिलहाल चावल थोड़ा ज़रूरी था इसलिए लेके आ गए। और फिलहाल थोड़ी देर में निकलेंगे, अगर ज़रूरत देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो सब्जी वगैरह लाना है तो मार्केट निकलेंगे। फिलहाल मोमोज लेके आए थे मार्केट से, वहाँ भी खाया नहीं, मैं लेके आ गया रूम में, तो उसको सर्व करते हैं फिर खाया जाए। सो गाइज ये है अपना मोमोज एंड चटनीस, खाते हैं मोमोज और फिर चाय वगैरह बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर आधा एक घंटा में निकलेंगे वापस सब्जी मार्केट, कोई सब्जी लेकर आते। गाइस 9:35 हो चुके हैं और मैं सब्जी लेने जाने वाला था बट टालते अभी 9:35 हो गए। फिलहाल डिनर करेंगे और सब्जी मार्केट 10:30 तक मिल जाता है, मतलब वहाँ पे सब्जी, तो अभी खाना खा लेते हैं फिर वॉक भी हो जाएगा और सब्जी भी ले लेंगे। तो पहले खाना खा लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं डिनर में। तो गाइस डिनर में ये चिकन करी है एंड चावल है, खाना मैंने बना लिया था करीब शाम को 6:30 के करीब, और फिलहाल अब चलते हैं डिनर कर लेते हैं, तो अभी बाहर निकलते हैं तो मिलते हैं आपसे। फिलहाल अगर गाइस आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और अभी तक कुछ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। चलते हैं तो मिलते हैं आपसे, बने रहिए ब्लॉग में। सो गाइस ऑलमोस्ट 10 बज चुका है, 8 मिनट कम है, और चलते हैं सब्जी मार्केट से कुछ सब्जी ले लेते हैं। लगभग मार्केट क्लोज हो चुका है। सो गाइस सब्जी मार्केट पहुंच चुके हैं, इस साइड है नॉनवेज वाली, रोस्टेड चिकन वगैरह इधर मिलता है, चिकन चिल्ली एंड वगैरह। और ये इधर आगे है सब्जी की दुकान, ऑलमोस्ट क्लोजिंग आवर में आने का बस एक ही फायदा है, थोड़े प्राइस जो है ना वो कम प्राइस पे मिल जाएगा, और कोई फायदा नहीं है। वैसे मेरे पास टाइम निकलते निकला ही नहीं, इसलिए क्लोजिंग आवर में आना पड़ा। बट एक घाटा भी है कि सब्जियां थोड़ी छटी वाली मिलेंगी, बेस्ट क्वालिटी वाली जो होती है ना वो तो निकल गया होगा। भैया प्याज कैसे? तो कुछ नहीं, प्याज हो गया, मर्चा हो गया, और कुछ ना ले लिया जाए। गाइस रूम में आ चुके हैं, 10:40 हो रहा है और सब्जी लेके आ गया हूँ, अब चलते हैं सब्जी रखते हैं। खाना खा के गया था तो कुछ बर्तन है उसको भी धुलना है, और कल सुबह अपनी ये शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे से, तो जल्दी से सोते हैं और सुबह जल्दी उठना होगा। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही है, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।